लॉकडाउन प्रक्रिया के दौरान जिला चंबा में अन्य राज्य से पहुंचने वाले लोगों को जिला प्रशासन द्वारा क्वारंटाइन में रखने की व्यवस्था की गई है। इन दिनों अन्य जगहों से चंबा पहुंचे लोगों को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रखा गया है और स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार इनकी जांच की जा रही है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार ने कर्फ्यू लगा रखा है। जिला चंबा से बाहर फंसे लोग पैदल चलकर चंबा की तरफ आ रहे हैं और उनके लिए बॉर्डर पर प्रशासन ने बफर क्वारंटाइन की व्यवस्था की है। ये व्यवस्था चंबा जिला के प्रवेश द्वार तुन्नुहट्टी, लाहड़ू और हटली में की गई है। इन तीनों स्थानों पर क्वारंटाइन में रह रहे लोगों का कहना है कि प्रशासन के निर्देशानुसार वो जिला से बाहर से आने पर 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में पहुंचे हैं। मेरा रोड का काम है, वहाँ पे लेबर थी मेरे साथ। तो रामपुर प्रशासन ने, डीएसपी रामपुर, एसएचओ रामपुर, एसडीएम रामपुर ने हमारी बहुत हेल्प की। उसके बाद जो भी डिस्ट्रिक्ट हमारे को आए, उन्होंने सब ने हमारी हेल्प की। उसके बाद हमें यहाँ लाड़ू में रोका गया 14 दिन के क्वारंटाइन के लिए। यहाँ पर जो है, जो प्रधान जी हैं, उप प्रधान जी हैं और पटवारी साहब हैं और शायद स्कूल का स्टाफ है और जो हमारे साथ जो लगे हुए हैं, उन्होंने हमारे लिए खाने का, पीने का, रहने का बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है। मेरा नाम अशोक कुमार है, मैं यहाँ दिल्ली से आया हूँ। और दिल्ली से आते टाइम हमें तुनवर्ती में रुक लिया, ठीक है, और वहाँ से हमें सीधा यहीं लेके आ रहे हैं। स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा, घर के लिए आए थे कि चलो परिवार के साथ मिलेंगे, लेकिन चलो नहीं मिल पाए, लेकिन फिर भी वहाँ से कई गुना बेटर है। यहाँ पे रात को 36 जो है वो आए हुए हैं, उनको रात को हमने पूरा अरेंजमेंट किया, रोटी खिलाई, अच्छा वेडिंग दी और सवेरे ब्रेकफास्ट में चाय, ब्रेड और दिन को लंच। चंबा के उपायुक्त विवेक भाटिया का कहना है कि कोरोना वायरस के प्रभाव को देखते हुए एहतियातन चंबा के प्रवेश द्वारों पर प्रशासन की ओर से क्वारंटाइन की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि इन क्वारंटाइन स्थानों में प्रशासन द्वारा पर्याप्त बंदोबस्त भी किए गए हैं ताकि लोगों को इस आपदा की स्थिति में किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। फर्स्ट आपकी होम क्वारंटीन है, जो सभी हमारे बाहर से लोग आ चुके हैं कुछ एक टाइम कट ऑफ से पहले, वो अपने घरों में रह के अपने आप को 14 दिन तक सबसे अलग थलग रख रहे हैं। इवन जो अपने फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे भी अलग थलग रख रहे हैं एज पर द मेडिकल गाइडलाइंस। दूसरी हमारी जो है वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन है, जिसमें सारे हमारे जो एक इंस्टीट्यूशनल कभी इस तरह की दिक्कत आए जहाँ पे हमारे संदिग्ध लोग आए उनको हम रखेंगे। और तीसरी हमारी जो है ये बफर क्वारंटीन है। बफर क्वारंटीन इज़ अब जो लोग बाहर के राज्यों से, बाहर के ज़िलों से आ रहे हैं, ज़िला में एंटर कर रहे हैं, उनको हम सारा उनका क्वारंटीन का फैसिलिटी वहीं उनको दे रहे हैं बॉर्डर्स पे। जो हमारी बफर क्वारंटीन की व्यवस्था है, ये क्योंकि बहुत लेट स्टेजेस में ये एस्टेब्लिश हुई, इसलिए इसके एस्टेब्लिश करने में एक या दो दिन का समय बहुत कम है। फिर भी उसमें हमने सारी जितनी व्यवस्था हो सकती है वो तकरीबन 300-400 लोगों की अभी तक हुई है और 320 लोग जो हैं आज इन फैसिलिटीज़ में अपनी फ़ायदा उठा रहे हैं। और अब इसमें जो सारी हमने डिटेल्ड इसमें गाइडलाइंस निकाली हैं कि किस तरह से महिलाओं का और पुरुषों का अलग अलग होगा, किस तरह से उसमें नोडल अधिकारी होंगे, किस तरह से उसमें खाने पीने का ध्यान रखा जाएगा, किस तरह से सुबह एक्सरसाइजेज होंगी, किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होगी, सैनिटाइज्ड बसों में होगी, किस तरह से उनको रोज़मर्रा का जो मेडिकल चेकअप है, मेडिकल स्क्रीनिंग है होगी, और इसके अलावा उनको सोशल डिस्टेंसिंग किस तरह से करेंगे। बड़ी डिटेल्ड गाइडलाइन हमने निकाली थी और उसके बेसिस पे जो सभी हमारे लोग हैं, शुरू में समस्याएँ कुछ एक या दो जगह आईं, उनको हमने देखा, खाने पीने की सारी समस्या की, सारी व्यवस्था की, सबको हमने खुद उनकी सैनिटेशन और उसका जो बेसिक मूलभूत आवश्यकताएं उनका ध्यान रखा। और इसको चेक करने के लिए हमने एक उड़न दस्ते, जैसे एजुकेशन में होते हैं, वो हमने भेजे थे। कल हमारे DPRO साहब गए थे, हमारे SDM भरमौर हैं, वो आज गए हैं और मैं खुद किसी भी दिन जा सकता हूँ, चुपके से जा सकता हूँ, देख सकता हूँ। हम अपने लेवल पर सारी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अभी तक जो फीडबैक आई है वो सभी से हमें ये आई है कि जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं सब जगह वो ठीक हैं और लोग जो हैं वो अच्छे से इसमें रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं। दो या चार लोग होते हैं बीच में जो कहते हैं कि हमें 3 टाइम चाय चाहिए, वो कम्फर्ट थोड़ा लग्जरी टाइप की चीज़ें बोल देते हैं, पर चलिए जितना लग्जरी के तरफ भी हमारा ऐसा नहीं कि हम लग्जरी नहीं देना चाह रहे, बट क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा है, वक्त बहुत कम था, इसलिए
जितनी हम बेसिक कर सकते थे वो भी हमने बेसिक अच्छे तरीके से। सिटी चैनल के लिए चंबा से पुनीत मल्होत्रा की रिपोर्ट।